गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 9 रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब आप पढ़ चुके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। द इंटीजर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर नोन एज रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल्स 5/8, -3/14, 7/-15, 6/-11। तो ये समझ आए होंगे आप, 5/8 है जैसे, तो इसमें दोनों इंटीजर्स हैं 5 और 8। 5 जो है पी की फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर, और क्यू जो है ये डिनोमिनेटर है आपका 8। तो जो डेफिनेशन है हमारी पी अपॉन क्यू इस फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट ज़ीरो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। जिस तरह से आपने इंटीजर्स, होल नंबर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर्स में भी हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फोर्थ एडिटिव इनवर्स, और 5 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब ये एक एक करके हम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं, कोई दो नंबर्स अगर ले लें हम रेशनल नंबर, उनको ऐड करें हम, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो सेम फिर से रिपीट हो जाती है रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में अगर कोई दो नंबर्स लें, जैसे ए और बी ली, तो इनको ऐड करने के बाद फिर से एक रेशनल नंबर आएगी। जैसे एग्जांपल लिया 8+3, 8 भी रेशनल नंबर है, 3 भी, तो इनका आंसर आया 11। इट इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स